हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। और मैं लेके आ गया हूँ नया प्रोजेक्ट जो कि है पे एनजीओ के ऊपर। हम लोग इस प्रोजेक्ट पे एक एनजीओ की वेबसाइट बनाएंगे रिएक्ट जेएस पे, और इसमें एपीआई इंटीग्रेट करेंगे लारावेल में, क्रिएट करते हैं लारावेल पे हम लोग एडमिन पैनल भी बनाएंगे। तो क्या हम लोग इसमें क्या क्या सीखेंगे? लारावेल और लारावेल में एपीआई कैसे बनाते हैं, रिएक्ट जेएस और प्लस सेव का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करेंगे। आपको ये चार चीजें सीखने को मिलेंगी। तो इस प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट देखो विदाउट स्किप किए हुए, और सारे डॉक्स क्या बोलते हैं लिंक्स आपको और जो भी मतलब फाइलें होंगी सोर्स कोड आपको मिल जाएगा गिटहब पे मेरे, तो वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए अब सेटअप करते हैं प्रोजेक्ट को। सेटअप कैसे करना है मैं ये बता देता हूँ, और नेक्स्ट पार्ट से हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइस मैंने आप लोगों को बता तो दिया है कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं, बट हम लोग जो बनाने वाले हैं वो दिखेगा कैसे? चलिए मैं पहले ये आपको दिखा देता हूँ। मैं पहले फ्रंट एंड दिखाता हूँ। देखो फ्रंट एंड हमारा एनजीओ की वेबसाइट ऐसे दिखेगी कि फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, और ये हमारा डाटाबेस से आएगा। देखो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, पूरा कंप्लीट वेबसाइट नहीं है, क्योंकि देखो ये चीज क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना। अभी वॉट उसका पेज आपको बनाना, एक पेज कॉपी करके नया पेज बना दो। कॉन्टेक्ट कैंपेन का है तो जो यहाँ पे है कॉपी करके वहाँ पे डाल दो, ज्यादा दिखने लगेगा। यहाँ पे स्क्रॉलेबल में है, चलो वो छोड़ो मैं दिखा। तो यहाँ पे एक लोगो रहेगा, ये मैं दिखाने की, तो आप बस डिजाइन देख लो, डिजाइन आपको एग्जैक्ट सेम बनेगा। और यहाँ पे मैं लॉजिक दे रहा हूँ, ये चीज आपका एपीआई से फेच होके आएगा। जितने भी हम बैकएंड पे ऐड करेंगे, ये कैटेगरी हो जाएगा, एक इमेज हो जाएगा, यहाँ पे एक इमेज दिखेगा, और उसके बाद ये टाइटल हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे गोल, मतलब जब हम लोग एक कैंपेन क्रिएट करेंगे तो हमारा गोल कितना है बैलेंस करेक्ट करने का, वो चीज़ यहाँ पे देखे, और कितना कंप्लीट पेमेंट हुआ है, कितने परसेंट। देखो यहाँ पे हुआ है 40% के करीब, यहाँ पे 40% है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, प्रोग्रेस बार भी अपडेट हो रहा है नीचे। चलो मैं एक ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने डोनेट नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पे खुल गया। अब ये इमेज आपका ऑटो स्लाइडर, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, क्राउजल मैंने ऑलरेडी लगे। यहाँ पे डोनेट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, मैं फिल कर देता हूँ फॉर्म, और यहाँ पे पे नाउ से क्लिक करता हूँ, पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। ओके कुछ टाइम में भी पेमेंट गेटवे ओपन होगा, ये पेमेंट गेटवे हमारा ओपन हो गया, डिपेंड करता आपके इंटरनेट के ऊपर। यहाँ पे देखो ये टेस्ट पेमेंट है, ये बता दे रहा हूँ कि देखो आपको लिंक मिल जाएगा जब ये पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट होगा, तो आपको अकाउंट कहाँ से, सब कुछ चीज़ आपको बता दिया जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं एंटर एनी यूपीआई पे ऐड करता हूँ, और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं जो विश। तो मैं यूनिटी फॉर चेंज डालता हूँ, एट द रेट पेव डाल देता हूँ। टेस्टिंग में आपको यही ऐड करना होगा यदि आप यूपीआई यूज करते हो तो, अदरवाइज इनके वेबसाइट से जाओ और डिटेल्स कलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे देखो टेस्टिंग के लिए यहाँ पे क्लिक टू यूआरएल टू सक्सेस या फेल, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैं पेमेंट सक्सेस करूंगा तो वहाँ पे सक्सेस दिखाएगा, फेल करूंगा तो फेल दिखाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये हो गया सक्सेस। अब यहाँ पे कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा, जब रियल पेमेंट पे करेंगे तो अपना एप्लीकेशन ओपन करके करेंगे, लेकिन ये टेस्टिंग है तो हमको ऐसे करना पड़ेगा पेयू का। देखो ये रिफ्रेश हो रहा है, वेट करते हैं, वेट क्या करते हैं, डायरेक्ट वो पेमेंट सक्सेस या फेल का ऑप्शन आ जाएगा। देखो मेरे मोबाइल पे मैसेज भी आ गया, टेस्ट पेमेंट हो या रियल पेमेंट हो, मैसेज आ जाता है, ईमेल भी आ जाता है। देखो यहाँ पे गया सक्सेस, योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसेस, थैंक फॉर डोनेटिंग, यहाँ पे मैसेज आया, ओके करेंगे ये हट जाएगा। अब मैं आपको दिखा दूँगा रिस्पॉन्सिव है या नहीं। यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं डिवाइस सिलेक्ट कर लेता हूँ, सैमसंग ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो आप देख ही सकते हो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, देख सकते हो फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे एक आ गया, डोनेट पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा पेज खुल जाएगा, वो भी फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। अब मैं आपको एडमिन दिखाता हूँ, हमारा एडमिन कैसे दिखेगा। यहाँ पे देखो डैशबोर्ड पे ये भी फुल्ली रिस्पॉन्सिव, मैं पहले आपको रिस्पॉन्सिव दिखा देता हूँ, देखो फुल्ली रिस्पॉन्सिव। यदि आप ऐप में कन्वर्ट करो तो किसी को पता नहीं चलेगा, जिसको वेबसाइट डेवलपमेंट का नॉलेज नहीं है कि ऐप है या वेबसाइट है। आपको ऐसे देखेगा डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड पे टोटल कैटेगरी, कैंपेन, एक्टिव है, टोटल लाइक्स, कितने पेमेंट रिसीव हुआ है, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो लेटेस्ट होंगे, कैंपेन का नाम दिख जाएगा,
उसके बाद से किसने पेमेंट किया है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस कितना, और कितना अमाउंट पेमेंट किया और किस डेट को पेमेंट किया, ये डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखता रहेगा जो कि डैशबोर्ड पे होगा। उस कैटेगरीज में जाएंगे, यहाँ पे हम कैटेगरी को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, देखो न्यू पे क्लिक करूंगा तो हमारा साइड से पॉपअप आ जाएगा, जो कि बॉटम सीट है बट साइड से खुलेगा। यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे सेव कर देंगे, यहाँ पे क्लिक क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे एडिट हम कर सकते हैं तो ऐसे ही खुलेगा। यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे, अपडेट हो जाएगा, चेंज करके करेंगे तो यहाँ पे डिलीट का बटन है, यदि इससे कुछ कनेक्टेड नहीं होगा तो डिलीट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं डिलीट होगा, मैसेज देगा ऑलरेडी कनेक्टेड। अभी रहा कैंपेन, कैंपेन पे मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है इसलिए जो फॉन्ट्स हैं और जावास्क्रिप्ट डाउनलोड नहीं हो रहा जेक्यूरी का फाइल। देखो ये जिसमें हमारे, देखो यहाँ पे मैंने क्या सेट किया, जिसमें इमेज सेट होगा बस फ्रंट एंड पे वही आएगा, यदि इसमें इमेज सेट होगा फ्रंट एंड पे बस वही कैंपेन आएगा, यदि इमेज नहीं होगा तो कैंपेन नहीं आएगा। यहाँ पे देखो बस दो ही तीन दिख रहा होगा, चार है लेकिन हम यहाँ से एक्टिव और डीएक्टिव भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी गोल दिखेगा और यहाँ पे भी पेमेंट दिखे, कितना पेमेंट रिसीव हुआ है, यहाँ पे देखो दिख रहा है टोटल गोल कितना है, रिसीव कितना हुआ, और एक्टिव है कि नॉट एक्टिव है, यदि नॉट एक्टिव कर देंगे तो हट जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पॉपअप खुलता है, तो मैं जिसमें पेमेंट हुआ है उसका खोल के देखता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक किया तो देखो यहाँ पे आपको एक चार्ट मिल जाएगा, पाई चार्ट, नाम हमने चेंज नहीं किया है। और यहाँ पे इस पे ये इस पे क्या कहते हैं, इस कैंपेन में जितने लोगों ने ये डिटेल्स किया है सारा चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखो अनडिफाइंड, लेकिन जब हम लोग कोड करेंगे तो वहाँ पे फिक्स कर देंगे, कुछ नेमिंग का प्रॉब्लम है, बाद में नेम चेंज हुआ था। इसको मैंने क्लोज किया, इस पे भी क्लिक करेंगे तो आएगा, नहीं इस पे नहीं आएगा, आई थिंक इस पे आएगा, हाँ आइकन पे आएगा, एजुकेशन पे आएगा, डिस्क्रिप्शन पे नहीं आएगा, पेमेंट पे नहीं आएगा, इस पे नहीं आएगा, यहाँ पे तो एडिट का आ जाएगा। तो मैं एक ओपन न्यू पे क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो हम जब क्रिएट करेंगे ना तो हमें इमेज अपलोड का कोई ऑप्शन नहीं है, जब हम क्रिएट कर लेंगे तो हमारा सेव हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा राइट। अब यहाँ पे हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा इमेज अपलोड का ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल इमेज अपलोड का ऑप्शन है। यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीपल इमेज, अब यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करेंगे, मैं अपलोड नहीं करूँगा, मैं कोई भी वैसे इमेज अपलोड या सेलेक्ट कर लेता हूँ डाउनलोड फाइल से। यहाँ पे देखो एक एडिटर मिल जाएगा आपको, इसी साइज में क्रॉप करना, तो ये ऑटोमेटिक उसी साइज का क्रॉप ही करेगा। आज जैसे ही क्रॉप पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा, मैं क्विट कर देता हूँ, अपलोड होकर यहाँ पे दिखने लगेगा। तो आपको अपलोड बटन पे, यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करने के ना, जब आप टेक्स्ट करोगे ना तब अपडेट बटन पे क्लिक करना होगा। तो गाइस ऐसा आपको एडमिन, यानी कि इसमें आपको मैंने बता ही चुका है कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट में। तो चलिए अब सेटअप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो आपको गिटहब पे आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस रिपोजिटरी का, बट आप मुझे गिटहब पे भी फॉलो करो यार। तो चलो हम, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कॉपी करता हूँ HTTPS का लिंक कॉपी, और यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, मैं YT फोल्डर के अंदर बनाने वाला हूँ। मैं गिट पैच या कोई भी टर्मिनल ओपन करूँगा, आप CMD ओपन करो, टर्मिनल ओपन करो, कोई भी ओपन करो एज यू विश। यहाँ पे मैं कमांड चलूँगा गिट क्लोन, और यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिंक नहीं पेस्ट करना है, हाइफन बी करना है, उसके बाद स्टार्टर लिखना है, STARTER स्टार्टर। देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ब्रांच का नाम है स्टार्टर, क्योंकि इसी को आप करोगे डायरेक्ट गिट क्लोन करोगे तो मेन ब्रांच हो जाएगा, मेन ब्रांच में लेटेस्ट कोड होगा। जैसे मान लो अब आप ये वीडियो देख रहे हो 10 दिन बाद, तो हो सकता है उसमें लेटेस्ट कोड ऐड हो गया हो, तो आपको वो कोड मिले, तो आपको सीखने को मिले, कोड तो मिल जाएगा लेकिन सीखने को नहीं मिलेगा। तो आप यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हमेशा स्टार्टर वाले को क्लोन करना, गिट क्लोन हाइफन बी स्टार्टर, इसके वास्ते आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना लिंक जो आपने कॉपी किया था, एंटर मार देना है। अब बस वो उसी एक क्या कर उस ब्रांच को क्लोन करेगा, ना कि पूरे ब्रांच को क्लोन करेगा। चलो मैं इसके अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पे देखो आपको दो फोल्डर मिलेगा, बैक एंड मिलेगा, फ्रंट एंड मिलेगा। ओपन विथ मैं कोड कर लेता हूँ कंप्लीट दोनों फोल्डर को ही, अभी मैं यहाँ पे डाटा भी सेटअप नहीं करूंगा, आपको मैं दिखाता हूँ। देखो आपको क्या जाना है, अब आप एज यू विश कैसे भी जा सकते हो, मैं बताता हूँ। ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, तो इस फोल्डर के अंदर हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा जो VS कोड का है, या तो आप टर्मिनल ओपन करके CD बैकएंड कर सकते हो, ऐसे जा सकते हो, जो भी जैसे चाहो वैसे जा सकते हो। और यहाँ पे हमें देखो क्या करना होगा, एक यहाँ पे example.env है, तो मैं इसके सेव एस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट एस, और यहाँ पे .env इसे सेव कर दूंगा, ये हो गया हमारा .env फाइल बन गया। यहाँ पे भी मैं कुछ नहीं चेंज करूंगा, जैसे वैसे छोड़ दूंगा राइट।
अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, कंपोजर अपडेट, कंपोजर अपडेट वगैरह पूरा टाइप करना पड़ेगा। ये काम हम यहाँ पे कर देंगे और उसके बाद से यहाँ पे एक और टर्मिनल मैं ओपन कर लूंगा जहाँ पे मैं फ्रंट एंड के लिए यूज करूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा npm i pm इंस्टॉल लिखो या फिर आई लिखो, एंटर कर दो एज यू विश। ओ क्या हुआ, मैंने दूसरा बटन दबा दिया। npm आई थिंक हैंग कर गया मेरा, एंटर करता हूँ मैं। तो गाइस मेरा सिस्टम कर गया हैंग, आई डोंट नो वॉइस रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। तो गाइस देखो ये हो गया हमारा इंस्टॉल npm भी और कंपोजर भी। अब मैं स्टार्ट करता हूँ php artisan सर, क्योंकि अभी ने डाटाबेस कनेक्ट नहीं किया है तभी हमें कोई ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पे स्टार्ट हो गया और यहाँ पे मैं करता हूँ लोकल होस्ट कॉलन 8000। देखो अभी एक चीज एरर है, तो अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक कमांड चलाना होगा php artisan key colon generate। अब मैं php artisan सर्व करूंगा ये हमारा खुल जाए, क्योंकि हमने की को जनरेट नहीं किया था। देखो ये हमारा लारावेल का फर्स्ट पेज वेलकम पेज आ गया है। अब हम रिएक्ट का जो सेटअप किए हैं इसको भी देख लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज और यहाँ npm रन दे कमांड चलाऊंगा दूसरे टर्मिनल में। आप देख लो मैं फ्रंट एंड वाले में हूँ और जब मैंने लारावेल का किया था तो बैक एंड वाले का था। यहाँ पे देखो मैंने दो बनाया हुआ, यहाँ पे देखो ये बैक एंड है। ये ध्यान रहे उस डायरेक्टरी में जाको आपको जाके कमांड चलाने हैं। मैं यहाँ पे ओ प्रेस करूंगा तो ये हमारा ऑटोमेटिक ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। कुछ टाइम वेट करते हैं, देखो ये ओपन हो चुका है और देखो यूनिटी फॉर चेंज आ रहा है, यूनिटी फॉर चेंज। ओके मैंने इसमें टेलविन सब कुछ सेटअप कर दिया। अब आपको मेन कोड करना है, आप ऐसे क्लोन कर लो, सेटअप कर लो और ब्राउजर पे रन करके देख लो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कोड स्टार्ट करेंगे बैकएंड से। ओके इस पार्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, और सब्सक्राइब करो, ऐसा आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो।